चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2023 का पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाना है। एक नंबर के स्थान पर गुजरात टाइटंस की टीम है, जिसने सभी को इस टूर्नामेंट में पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया हुआ है। तो वहीं दूसरे नंबर पर कैप्टन कूल माही की टीम है, जो हमेशा की तरह अपने शानदार खेल के लिए जानी जाती रही है। लेकिन दोनों के बीच पहला क्वालिफायर मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक होगा। आरसीबी को हराने के बाद गुजरात की टीम काफी ज्यादा घमंड में है, और इसलिए धोनी ने पहले क्वालिफायर में पांड्या के गुरूर को तोड़ने के लिए अपने खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो चलिए जानते हैं धोनी ने किन 11 खिलाड़ियों को अपनी टीम में दी जगह। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पहला क्वालिफायर मुकाबला 22 मई को खेला जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने टीम में कुछ बदलाव करने की योजना बनाई है। सलामी बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे दोनों ही खिलाड़ियों को धोनी ने अपनी टीम में शामिल किया है। दोनों का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा रहा और विपक्षी टीमों पर दोनों कहर बनकर टूटे भी हैं। तीन नंबर पर यह कहना गलत नहीं कि अंबाती रायडू खेलते हुए नजर आएंगे। इस टूर्नामेंट में अंबाती रायडू की ज्यादा बल्लेबाजी तो खैर आई नहीं, लेकिन बावजूद उसके अनुभव बहुत बड़ी चीज है, इसलिए धोनी ने उन्हें शामिल किया है। चौथे खिलाड़ी के रूप में शिवम दुबे टीम का हिस्सा रहेंगे, जिन्होंने इस आईपीएल में बड़ी से बड़ी हिट लगाई है और इस खिलाड़ी की जरूरत होगी हार्दिक पांड्या जैसी टीम के सामने। धोनी ने पांचवें खिलाड़ी के रूप में मोइन अली को अपनी टीम में शामिल किया है, जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर है। बल्ले के अलावा गेंदबाजी में भी वे कुछ बड़ा करने की ताकत रखते हैं। वहीं छठे खिलाड़ी के रूप में धोनी बेन स्टॉक्स को भी अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, जो कि काफी बड़ा नाम है और हो सकता है धोनी का ये मास्टर प्लान भी हो पांड्या जैसी खतरनाक टीम के सामने। सातवें खिलाड़ी के रूप में धोनी खुद टीम का हिस्सा रहेंगे, जबकि आठवें खिलाड़ी के रूप में रविंद्र जडेजा का खेलना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। इसके अलावा नौवें खिलाड़ी दीपक चहर के रूप में टीम का हिस्सा रहेगा। दीपक चहर ने शुरुआती ओवर में काफी विकेट निकालने का कारनामा किया है और धोनी को उम्मीद है शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को जल्दी आउट कर सकते हैं दीपक चहर। दसवें खिलाड़ी के रूप में तुषार देशपांडे टीम का हिस्सा रहेंगे, जबकि ग्यारहवें खिलाड़ी के रूप में पति राणा को टीम में धोनी ने शामिल किया है। कुल मिलाकर ये वह 11 खिलाड़ी हैं जो धोनी ने पहले क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस को चारों खाने चित करने के लिए अपनी टीम में तैयार किए हैं। वैसे आप सभी को क्या लगता है, कौन सी टीम पहला क्वालिफायर जीतेगी, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर गुजरात टाइटंस? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।